नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाले और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेरा मानना है शायद बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्टेड वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये जो वीडियो है ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल को बने लगभग 3.5 साल हो चुके हैं, 10,000 सब्सक्राइबर लगभग पूरे हो चुके हैं। शायद ये जब तक वीडियो आएगा तब तक 10,000 से ज़्यादा 11 से 12 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और इस चैनल पे मैंने 450 से ऊपर वीडियो बनाए हैं। बट ये इतना कॉमनली पाया जाने वाला ये बीमारी है, पहली चीज़। और दूसरा, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की जो दरकार है मुझसे, मेरे सब्सक्राइबर और सपोर्टर बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। बट कई बार होता है, कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ है कि मैं शायद नहीं बना पाया इस पे वीडियो। सो हियर इट इज, अ वीडियो एंड द डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और बहुत शॉर्ट में रखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट। और इसके एंड में जो मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ, वो मेडिसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, और उनका क्लिनिकल रिलेशन समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, अंत तक बना रहना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये हो क्यों रहा है और है क्या ही। तो हियर इज अ वीडियो ऑन द ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ऑस्टियो जो शब्द होता है दैट इज यूज्ड फॉर द बोन। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया ऑस्टियोपोरोसिस की, जो हड्डियों का क्षरण हो जाना, हड्डियों के अंदर से कैल्शियम की कमी हो जाना, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ऑस्टियो मतलब हड्डी और पोरोसिस मतलब पोरस हो जाना, उसके अंदर पोर्स हो जाना। एक और वीडियो मैंने बनाया ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो मतलब हड्डी और मलेशिया मतलब सॉफ्टनिंग। तो जब भी हड्डियों में सॉफ्टनिंग होती है, वो बेंड होने लगती है, तो ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। उसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब, ऑस्टियो मतलब हड्डी और आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का इन्फ्लामेशन। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो सही मायने में जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जब भी आर्थराइटिक डिसऑर्डर, जोड़ों का डिसऑर्डर बोनी पार्ट में हो, कहाँ पे बोनी पार्ट में हो, जॉइंट का मतलब जो जॉइंट का बोनी पार्ट मतलब हड्डी से निर्मित जॉइंट का जो पार्ट है, जब उस पार्ट के अंदर, जॉइंट के अंदर उस पार्ट में प्रॉब्लम होती है और वहां से एक प्रकार का अर्थराइटिस की शुरुआत होती है, तो इसको ऑस्टियो अर्थराइटिस बोलते हैं। अब ये पार्ट को मैं समझाने के लिए बस एक मिनट लूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो जॉइंट होता है वो कई पार्ट से मिलके बनता है। पहली चीज, हमारे पास ये दो हड्डी हैं। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है, दो होम्योपैथिक दवाओं के शीशी है, ये मैंने हड्डियां जोड़ दी, ठीक है। तो जॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि एक नीचे की हड्डी है और एक ऊपर की हड्डी। अगर नी की बात करें तो ये टीबिया है हमारी और ये फीमर है, ये हमारा जॉइंट बन गया। तो पहला पार्ट हो गया, दो हड्डी चाहिए जॉइंट बनाने को, जिनसे हम संधि बनाएंगे। संधि मतलब जॉइंट को हिंदी में संधि बोलते हैं। अब इन दोनों को साथ में रखने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कुछ लिगामेंट्स चाहिए। जो लिगामेंट यहाँ से नीचे से निकले ऊपर लगे और यहाँ पे इस तरफ से ऊपर से निकले नीचे लगे, तो इस तरह से लिगामेंट की सिलाई होती है जॉइंट के अंदर। नीचे से एक लिगामेंट निकलता है, वहां से वो क्रिएट होता है और वो इंसर्ट होता है ऊपर की तरफ। कुछ लिगामेंट ऊपर से क्रिएट होते हैं, फिर वो इंसर्ट होते हैं नीचे की तरफ। ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है, दो हड्डियां की जरूरत है जॉइंट बनाने को। दूसरा पार्ट है, हमको बहुत सारे लिगामेंट और टेंडन चाहिए जॉइंट को कंपोज करने के लिए, ठीक है, इसको इसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में मेंटेन करने के लिए। तीसरा पार्ट भी है इसमें, इसमें एक सीरस मेम्ब्रेन चाहिए, क्योंकि जो जॉइंट होता है वो जॉइंट एक कब्जा है। जैसा जॉइंट होता है हमारे दरवाजे के कब्जे होते हैं, ठीक है, कई बार हमारे कब्जों में जंग लग जाती है, हम ऑयल डाल देते हैं, पर यहां ये नहीं हो सकता। तो उस पर्पस के लिए इस जॉइंट पे हमको एक सीरस मेम्ब्रेन चाहिए। आप समझते हो सीरस मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली, एक कवर होगा जो इस पूरे के पूरे जॉइंट को चारों तरफ से कवर करके रखेगा, और ये सारे पार्ट उस मेम्ब्रेन के अंदर सिक्योर्ड रहेंगे। उस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, जिसको बोलते हैं ग्रीस, जो अपन लोग आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर बोलते हैं ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस वालों को ही ये शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरे डॉक्टर साहब, मेरे को तो आर्थराइटिस है, घुटना दुखता है, क्या हो गया? बोले तुम्हारे घुटने का ग्रीस सूख गया है। तो वो जो ग्रीस होता है, घुटने का जो ल्यूब्रिकेंट होता है, वो जिस कवरिंग के अंदर पैक रहता है घुटने को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सीरस मेम्ब्रेन। तो ये हमारा जो घुटना बना, हमारा जॉइंट बना, तो जॉइंट में मूलभूत रूप से तीन प्रकार की चीजें होती हैं। जॉइंट बनाने के लिए पहली चीज होती है दो हड्डी, एक नीचे और एक ऊपर की, जिसके बीच में हमको जॉइंट करना है, जॉइंट बनाना है। तो पहला हो गया हड्डी मतलब बोन, दूसरा हो गया लिगामेंट एंड टेंडन, और तीसरा हो गया सीरस मेम्ब्रेन। अब जब भी हम बात करते हैं रूमेटिज्म की, तो
ये जो तीन कंपोनेंट है हमारे जॉइंट के, इनके अंदर अलग अलग कंपोनेंट के अंदर जब अर्थराइटिस उत्पन्न होता है, कहने का मतलब है अगर मेरे सामने तीन पेशेंट है, अच्छे से समझिएगा, शॉर्ट में रखू, मैं ज्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा, मेरे सामने तीन पेशेंट है, तीनों को घुटने में दर्द हो रहा है, पर तीनों की कैटेगरी अलग हो सकती है। कैसे होगी कि एक पेशेंट है जिसको सीरस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है, कि जो जॉइंट में सीरस मेम्ब्रेन है उसके अंदर अर्थराइटिस में वो सीरस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो इस केस के अंदर मेडिसिन कौन सी हो जाएगी? हमारे पास ब्राइनिया है, हमारे पास एपिस मेलिफिका, जिसमें सीरस मेम्ब्रेन पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये हमारे अर्थराइटिस का एक टाइप हो गया जिसके अंदर सीरस मेम्ब्रेन निपट रही है, सीरस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। एक एग्जांपल अलग करिए, तीन कंपोनेंट है ना हमारे पास, एक का एग्जांपल दे दिया। दूसरे का एग्जांपल कि जब भी जॉइंट के अंदर, अर्थराइटिस के अंदर टेंडन्स और लिगामेंट में प्रॉब्लम होगी, जो दूसरा कंपोनेंट है हमारे जॉइंट का, तो ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर हमारे पास मेडिसिन है, रस्टॉक्स है, रूटा ग्रेव्युलेंस और तमाम मेडिसिन। ये वो मेडिसिन है वो जॉइंट के किस पार्ट पे काम करती है, जैसे ब्राइनिया एपिस जॉइंट में काम करती है सीरस मेम्ब्रेन पे, तो हमारे पास रूटा और रस्टॉक जैसी मेडिसिन है जिनका काम है जॉइंट के किस कंपोनेंट पे, मतलब जॉइंट के लिगामेंट और टेंडन पे ये काम करती है। तो ये हमने दूसरा कंपोनेंट देख लिया है, तीनों को अर्थराइटिस, समझो मेरी बात, तीनों को जोड़ों में दर्द हो रहा है, पर तीनों के अर्थराइटिस का कारण करण अलग अलग है। एक के अंदर सीरस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है, पहला एग्जाम्पल एपिस और ब्राइनिया वाला, दूसरे केस के अंदर लिगामेंट और टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन है, उसमें दिक्कत है, रस्टॉक्स और रूटा वाला। और दोस्तों जो तीसरा टाइप होता है अर्थराइटिस का, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि जिसके अंदर ना सीरस मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिगामेंट और टेंडन में कोई दिक्कत है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोस्तों यहाँ पे ये जो दोनों जॉइंट हैं बोन के, अब आप ये देख रहे हो ढक्कन, एक ये डार्क नीला एक लाइट नीला है ना, तो जब ये बोन से एक दूसरे से जब जॉइंट हो रही हैं और जब आर्थराइटिक सिम्टम या इन्फ्लेमेशन इन बोन्स के एंड में होगा, इनके एंड में, इन बोन्स के एंड में, तो इस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और यह क्यों होता है? क्योंकि हर एक बोन जो होती है वो एंड में कार्टिलेज से लेस होती है, हर एक बोन के एकदम एंड में कार्टिलेज होता है। तो अगर ये आप ये सफेद कलर की ये डब्बी को अगर आप समझ लें कि ये हड्डी है, तो ये नीले कलर का ढक्कन ये कार्टिलेज बन जाता है जॉइंट के जस्ट पास में, कि जब जॉइंट बन रहा होता है तो एक बोन से दूसरी बोन का जो जॉइंट होता है वो बेसिकली कार्टिलेज टू कार्टिलेज होता है, क्योंकि हर एक बोन अपने दोनों एंड के ऊपर कार्टिलेज से बनी होती है, वो बोनी स्ट्रक्चर सिर्फ बीच में होता है, बट जब बोन एकदम खत्म होती है तो वहां पे होता है कार्टिलेज, और जो जॉइंट बनता है वो बोन टू बोन नहीं बनता दोस्तों, वो बनता है कार्टिलेज टू कार्टिलेज। और दोस्तों जब ये जो कार्टिलेज होते हैं, ये दोनों कार्टिलेज है, एक बोन का ये हमारा टीबिया का कार्टिलेज है, ये हमारा फीमर का कार्टिलेज है, ये हमारी फीमर है जांघ की हड्डी, ये टीबिया है लेग की हड्डी, ये जॉइंट है। दोस्तों जब इन दोनों के अंदर इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होगी तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और कॉमन सेंस है कि जब ये दोनों कार्टिलेज के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो ये कार्टिलेज घिसने लगेंगे, और ये एज रिलेटेड होता है। एक चीज समझिएगा कि जो सीरस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें घुटने में सूजन आती है, पानी भरता है, वो जो ब्राइनिया और एपिस की बात करी थी वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में, आराम से होता है, आराम तौर पे होता है, ठीक है। जो दूसरा केस की मैंने बात करी थी जहां पे जॉइंट का दूसरा कंपोनेंट जो थे लिगामेंट और टेंडन उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, वो रस्टॉक्स और रूटा के केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो गाउटी आर्थराइटिस का सिम्टम है, बहुत कॉमनली पाया जाता है कि गाउटी आर्थराइटिस के अंदर जो गाउट होता है यूरिक एसिड का, उसके टेंडन वगैरह में डिपोजिशन हो जाता है, फलस्वरूप टेंडन का शॉर्ट हो जाता है, टेंडन या तो छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी और जोड़ के अंदर तकलीफ होगी, ये भी एक प्रकार का अर्थराइटिस है। तो ये गाउटी अर्थराइटिस है, ठीक है, मतलब गाउटी अर्थराइटिस जो होता है वो जॉइंट के टेंडिनस पोर्शन को खत्म करता है। हमारे पास तीन पोर्शन है जॉइंट के, टेंडिनस पोर्शन, सीरस मेम्ब्रेन और हमारे पास हड्डियां हैं, मतलब कार्टिलेजिनस पोर्शन दोनों बोन का। तो जो टेंडिनस पोर्शन के अंदर जो बीमारी डिफेक्ट पैदा करती है उसको हम बोलते हैं गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस में ही होता है कि टेंडन्स जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है, वो तो या तो शॉर्ट हो जाते हैं लॉन्ग हो जाते हैं, पहली चीज। तो हमारा सीरस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन है, घुटने में पानी भर गया है, सूजन आ गई है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का नहीं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सिम्टम है, ये फर्क समझ लीजिएगा। तो अभी दो एग्जांपल मैंने किस किस के दे दिए आपको, दे दिए मैंने
गाउटी अर्थराइटिस जिसमें टेंडन्स के अंदर दिक्कत होती है, एक हमने दे दिया रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसमें सीरस मेम्ब्रेन की दिक्कत होती है, घुटने में सूजन आती है, सीरस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है, फ्यूजन होता है। और जो तीसरा हमारा कंपोनेंट है हमारे जॉइंट का, जो कि है दो हड्डी जिनके एंड में कार्टिलेज है, दोस्तों जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, और जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो गाउटी तो सॉरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एज रिलेटेड है, ठीक है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस आरए फैक्टर से रिलेटेड है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसमें आरए फैक्टर एक प्रकार की एंटीबॉडी बनती है जो घुटने को खुद खराब करती है, वो अलग चीज है। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो हमारा गाउटी अर्थराइटिस होता है जो टेंडन्स को खराब करता है, वो भी अलग चीज है। बट दोस्तों जो गाउटी अपना बार बार गाउटी निकल रहा है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये एज रिलेटेड होता है। इसके होने की आमतौर पे जो उम्र होती है 60-65 साल के बाद होता है। 60-65 साल तक जब बंदा चल रहा होता है और चलने से ये दोनों कार्टिलेज एक दूसरे से, ये ज्वाइंट है ना ऐसे, ये जॉइंट घिस रहे होते हैं और इनके फ्रिक्शन की बगल वजह से ये दोनों कार्टिलेज के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, कार्टिलेज घिस जाते हैं, इन कार्टिलेज का मतलब डीजनरेशन होता है, और जब ये कार्टिलेज का डीजनरेशन होगा ये दोनों हड्डी एक दूसरे के करीब आने लगेंगी, और जब ये दोनों हड्डी एक दूसरे के करीब आने लगेंगी तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब चलिए एक दो मिनट के लिए हम चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे, ये पूरी कहानी समझाना जरूरी था, क्योंकि अगर ये कहानी आप नहीं समझेंगे ना, जॉइंट में जितने पार्ट होते हैं उन अलग अलग पार्ट के फसाद के वजह से अलग अलग टाइप का अर्थराइटिस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसको बार बार रिवर्स कर करके देखिए, जॉइंट के अंदर अलग अलग पार्ट के फसाद के वजह से अलग अलग टाइप का अर्थराइटिस होगा। और अर्थराइटिस जो शब्द है बड़ा कॉमन शब्द है, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन। अब क्यों हो रहा है भाई? अब वो जॉइंट के इन्फ्लेमेशन की भी अलग अलग, जो आपने अभी तक देखा तीन कहानियां, कि जॉइंट का जो पार्ट अफेक्टेड होगा उसका कारण अलग है, उसके सिम्टम्स अलग होंगे और उसका नामकरण अलग होगा। कि सीरस मेम्ब्रेन गई तो वो जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, तो बीमारी का नाम दे दिया रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जॉइंट के अंदर सूजन आ जाएगी, एकदम बोगी स्वेलिंग होगी, भयंकर सूजन होगी, चलते नहीं बनेगा। जब लिगामेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम होगी जो कि दूसरा कंपोनेंट है, तो बीमारी क्या कहलाएगी? तो वो गाउटी अर्थराइटिस कहलाएगा। और तीसरा, जब जो जॉइंट का तीसरा कंपोनेंट है, मतलब वो दो हड्डियां जिनके एंड में कार्टिलेज है, जब वहां पे दिक्कत होगी तो इस कंडीशन को बोलेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इसके अंदर ये एज रिलेटेड होती है, 65-70 साल तक आदमी के चल चल के घुटने घिस जाते हैं, ये जो कार्टिलेज है ये डिजेनरेट हो जाते हैं। प्लस एक और फैक्टर होता है कि इस एज तक आते आते ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन हो जाती है, क्योंकि बोन्स के अंदर से बोन मिनरल डेंसिटी और कैल्शियम का लेवल वैसे ही डिप मार जाता है। तो जब बोन जैसी हड्डी जैसी सख्त जगह पे कैल्शियम का लेवल डिप मार रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस हड्डी के एंड में जो कार्टिलेज लगा हुआ है, जो जॉइंट का एक पार्ट बना रहा है, ऊपर का कार्टिलेज, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी का, ऑब्वियस बात है इसके अंदर भी डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे। तो मोर और लेस इन द नटशेल, ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये उम्र से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि साहब हम क्या करें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच जाए, आप नहीं बच सकते। अगर आप 65-70 साल के हो रहे हो, खासकर अगर आप ओवरवेट हो, आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होके रहेगा, क्योंकि ये दोनों कार्टिलेज ओवर द पीरियड डिजेनरेट होंगे, कई बार ये घिस जाएंगे आपके वजन की वजह से, घिस जाएंगे कई बार आपके बहुत ज्यादा ओवर यूज करने के कारण ये घिस जाएंगे, और अल्टीमेटली इनका गैप होगा कम, और जब गैप कम होगा तो ये दोनों हड्डियां एक दूसरे के करीब आ जाएंगी कार्टिलेज घिसने के कारण, और दिस एंटायर स्टोरी इज नोन एज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। चलिए बहुत लंबा हो गया, अब मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, सीधे फिर मेडिसिन बता देता हूँ, वीडियो को फिर अपन खत्म करेंगे, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मुझे भी देख पा रहे हैं, मेरे पीछे स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। ये देखिए आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का बेस्ट एग्जांपल जो मैं बता रहा था अभी आपको, कि ये हमारी हड्डी है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने दो डब्बी से बताया आप। ये हमारी जांग की हड्डी है, ये फीमर का एंड है, ये हमारी फिब्युला और टीबिया, ये टीबिया है, फिब्युला हमारी लेग की हड्डी है। हमारी इन दोनों हड्डी के एंड में ये कार्टिलेज लगा रहता है, क्योंकि आप समझिए कि हड्डी से हड्डी का जॉइंट बनाना बहुत स्लिपरी हो जाएगा, क्योंकि हड्डी होती है कड़क,
हमें जॉइंट बनाने के लिए एक सॉफ्ट ठिया चाहिए। ठिया एक हिंदी का शब्द है जो मैकेनिक लोग यूज करते हैं। ठिया मतलब एक बेस चाहिए, हमको एक सॉफ्ट बेस चाहिए, हम ऐसे ही नहीं बना सकते वहां पे जॉइंट, है ना। तो ईश्वर ने इसलिए हमको एंड में हमारी हड्डियों को कार्टिलेज से कवर करके रखा है। तो ये हमारा कार्टिलेज है, ये देखिए फीमर का कार्टिलेज है, ये हमारा जो कार्टिलेज है ये हमारा टीबिया का कार्टिलेज है, क्योंकि फिब्युला साइड में होती है, फिब्युला पे कोई कार्टिलेज नहीं होता, सिर्फ टीबिया पे होता है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है कि जब ये जो कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ जॉइंट होता है, ये कार्टिलेजिनस जो स्ट्रक्चर होता है जो जॉइंट के जस्ट एंड में दोनों हड्डी में कार्टिलेज लगा है दोस्तों, जब इसके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं तो दिस बीमारी इज नोन एज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये एज रिलेटेड होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का जॉइंट है, ये जॉइंट 70 साल तक व्यक्ति ने यूज करा, इससे वो चला फिरा, इसका मूवमेंट करा पर डे, ठीक है। प्लस अगर ये ओवरवेट है तो ये ऊपर से जो ये वजन आएगा इसकी, पूरा का पूरा पूरा हमारा बॉडी का जो वेट होता है वो हमारे घुटने ही तो बियर करते हैं जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, तो एक वो कारण होता है। और ये कुछ ऐसे कारण होते हैं कि एज हो गया पहली चीज, उम्र बढ़ने के साथ कार्टिलेज हमेशा डिजेनरेट होते हैं। दूसरी चीज, उम्र बढ़ने के साथ ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन बनती है। तो आप सोचो जब हड्डी बोनी स्ट्रक्चर में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा तो कार्टिलेज शरीर कितना बचा लेगा, उसका भी डिजेनरेशन होना है। तीसरा, ओवरवेट, जरूरत से ज्यादा वजन अगर पेशेंट का है, ओवरवेट अपनी पूरी लाइफ रहा है, क्योंकि इंडिया के ज्यादातर लोग ओवरवेट हमको मिलते हैं, तो भी इसका होने का रिस्क है। चौथा, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन, अगर आपके परिवार में ऑस्टियोआर्थराइटिस की हिस्ट्री है तो ये होगा। तो कुल मिला के ये है कि हाँ, होना ही होना है, ये सबके साथ होना है। और ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई ऐसा डिजीज नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज होती है ना। एक और छोटू सा एग्जांपल देख लेते हैं, ये देख लीजिए आप, ये दूसरा एग्जांपल है ना, ये हमारे ये जॉइंट वॉइंट आपको दिख रहे हैं, बोन्स वगैरह दिख रही है ना, ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज है ना, ये चार स्टेज है ओवरऑल। ये पहली स्टेज में नॉर्मल है, दूसरी स्टेज में हल्का फुल्का डिजेनरेशन हुआ, तीसरी स्टेज में फिर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा डिजेनरेशन हुआ, और लास्ट स्टेज के अंदर लिटरली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो परवार चढ़ के अपने बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री पे पहुंच गया, ठीक है। अब चलिए हम वापस आते हैं और आते हैं सीधे सीधे ट्रीटमेंट पे। कोई इलाज नहीं है एलोपैथी के अंदर, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देते। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले ही दोस्तों वो लोग होते हैं जिनके अमूमन जॉइंट रिप्लेस होते हैं, तो कोई बात नहीं करेंगे, एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब सीधे सीधे होम्योपैथी में आते हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस आर, जो पहली मेडिसिन होती है वो इसके अंदर है साइलीशिया। बड़ी आश्चर्य होगा आप लोगों को जान के, साइलीशिया क्यों है। केंट ने लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका में ये बात लिखी है कि व्हेनेवर द न्यूसेंस स्टार्ट इन द कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ द जॉइंट, तो मेडिसिन साइलीशिया हो जाती है, क्योंकि साइलीशिया का कार्टिलेज के ऊपर बहुत अच्छा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्लिनिकली उसका बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड है। तो जो साइलीशिया है ना, ये जरूर ये काम कर सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने अवास्कुलर नेक्रोसिस पे वीडियो बनाया था, उसमें एक चीज बताई थी कि रिपर्टरी के अंदर तुम लोग जितनी भी बोन देखोगे जिसमें नेक्रोसिस होगा, हर जगह साइलीशिया दिखेगी, क्योंकि साइलीशिया का बोनी और कार्टिलिजिनस स्ट्रक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और इसी कारण से वो नेक्रोसिस के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। क्यों? क्योंकि केंट ने लिखा है कि व्हेनेवर द न्यूसेंस स्टार्ट्स इन द कार्टिलिजिनस पोर्शन ऑफ द जॉइंट द मेडिसिन इज द साइलीशिया। एंड द दूसरी मेडिसिन है अर्जेंटम मेटेलिकम। जी हाँ दोस्तों, अर्जेंटम मेटेलिकम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, खास करके कार्टिलेज के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर वो इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। फिर चाहे घुटने के अंदर कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा हो, या कई लोगों को हिप जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो हिप जॉइंट रिप्लेस करना पड़ता है, हिप जॉइंट खराब होने लगता है, अर्जेंटम मेटेलिकम इज द मेडिसिन। तो ये था एक छोटा सा वीडियो दोस्तों, जिसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, और इन मेडिसिन को आपको ऐसे नहीं देना है अपने पेशेंट को, जब आप देंगे तो केयरफुल स्टडी और रिपर्टराइजेशन के बाद अगर आपको अपील करता है तो इन मेडिसिन को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को इतना पसंद करने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियोज में और हर हफ्ते में 3 बार होने वाली लाइव स्ट्रीम सेशन के अंदर आप सबसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।